नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष और आप देख रहे हैं आपका अपना टेक्निकल चैनल AKG माइंड। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ़ोन पे की KYC कैसे कंप्लीट करें। जी हाँ दोस्तों, फ़ोन पे एक वॉलेट है जिससे आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं या फिर कहीं पर भी पेमेंट कर सकते हैं QR कोड के जरिए भी। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि इसकी फुल KYC और मिनिमम KYC कैसे कर सकते हैं। तो मिनी KYC के लिए हम सीख लेते हैं। तो ओपन करेंगे अपना फ़ोन पे वॉलेट। ओपन करने के बाद यहाँ बाएं तरफ सबसे पहले आपने एरो लोगो पे जाना है। लोगो पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है प्लीज़ कम्प्लीट योर KYC वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है। वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका बैलेंस दिखा रहा है और लिमिट कितनी हो जाएगी, मंथली लिमिट हो जाएगी 1,00,000 रुपये, तो ये दिखा रहा है। तो यहाँ कंप्लीट KYC पे क्लिक कर देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या लगाना है वो चुन लीजिए। तो यहाँ डॉक्यूमेंट्स में मैं लगाता हूँ पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा जॉब कार्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट की ID, स्टेट गवर्नमेंट की ID, पासपोर्ट, वोटर ID, कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पैन कार्ड यूज करने वाला हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको पैन नंबर और पैन होल्डर नेम डालना है। तो यहाँ पे मैं पूरा फिल कर लेता हूँ अपनी डिटेल्स। यहाँ पे मैंने अपनी डिटेल्स भर ली है, फिर उसके बाद वेरीफाई पे आपको क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ देख सकते हैं वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो गया है। आपकी मंथली जो है वो 10,000 रुपये की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर फुल KYC डिटेल्स रिक्वायर्ड, अभी फुल KYC नहीं हुई है। फुल KYC के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि फुल KYC आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।